आ जा। चल चलो 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 जबरदस्त, फाइनली हम अपने घर में आ गए। हाँ मम्मा मम्मा, हमारा रूम कौन सा है? बेटा आप ही बताती हूँ, आई थिंक उस तरफ है। देख के आराम से गिर जाओगे। कैसा है? तो अच्छा। यहाँ है हमारा कमरा। इधर? ओके। अच्छा है ना? अच्छा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे थक गया हूँ। कॉफी बना देती हूँ ना? नहीं कॉफी नहीं, बहुत लेट हो गया। बच्चों से पूछ लो अगर उन्हें कुछ खाना है। मैं जरा क्विल्स निकालू, पता नहीं किस डब्बे में। ठीक है। ना चलो मम्मा, आवाज दे रही है। अरे ठहरो, पहले ऊपर तो चल के देखें क्या है। नहीं ऊपर अंधेरा है, मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। पागल हो क्या? भले अपने घर में भी कोई डरता है, ये तो हमारा अपना घर है, और इसमें क्या डरने की बात। तुम इधर ही ठहरो, मैं होके आती हूँ। मेरा मेरा मम्मा बुला रही है। अभी आधा किलोमीटर दूर है घर। तो क्या हुआ, मैं पैदल चली जाऊंगी, वरना रक्षा ले लूंगी। इतनी गर्मी हो रही है भाई, पागल हो गई हो क्या? और ये गर्मी ना तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई है। अच्छा ना, क्या फर्क पड़ता है? पहले उतर जाना प्लीज। मैं कोई रेस्ट नहीं ले सकती। भगवान। अच्छा ओके ओके, पहले वादा करो कि शाम को छत पे आओ। मैं कोई वादा नहीं कर सकती, अम्मी पे डिपेंड करता है। ओफो, एक तुम्हारी अम्मी भी ना, तेरी कब सुधरेंगी। ओफो, अपनी अम्मी के बारे में क्या ख्याल है? घंटा पहले फोन किया था हॉस्पिटल, कहाँ थे तुम? अभी हमीदा और मारिया गए, तुमसे तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए थे। अच्छा हुआ चले गए, टाइम बच गया मेरा। तुम्हारा दिमाग सही है? मारिया तुमसे मिलना चाह रही थी। मुझे भी दिल लगा हुआ, मुझे भी किसी मिलने ना मिलने की खुशी होती है, प्लीज इस बात को भी समझे। प्लीज क्या हो गया है, हमारे एक ही तो रिश्तेदार है। सब जानता हूँ, किन चक्रों में घर के चक्कर लगाते हैं वो। अब्बा का काम अच्छा चल रहा है, बेटे की हाउसवाइफ लग गई, अब बड़ी मोहब्बत जाग रही। और तब कहाँ थे वो लोग जब अब्बा बीमार थे, घर पे फाके चल रहे थे, बताए जरा मुझे। हमीदा शर्मिंदा है ना, उसने 10 दफा माफी मांगी है। अम्मा प्लीज प्लीज, आपने उन लोगों से रखनी है, बिल्कुल रखनी, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन मुझे इसमें मत कसीरे। नाइट ड्यूटी करके आया हूँ, थका हुआ, थोड़ी देर सोचो प्लीज। मुझे मारिया अच्छी लगती है, कैसे समझाऊं इस लड़के को? ये देखो अफशा, लड़का सऊदी अरब में और बहुत अच्छी जॉब है। सऊदीया में? नहीं भाई, मुझे अपनी बेटी को पाकिस्तान से बाहर नहीं भेजना बिल्किस। अफशान अपनी बेटी का मुस्तकबिल देखो, लोग तो डिमांड करते हैं बाहर के रिश्तों की और तुम मना कर रही हो। मेरा है ही कौन एक बेटी के सिवा, उसे भी पाकिस्तान से बाहर भेज दूं? नहीं भाई, रिश्ता दिखाना है तो पाकिस्तान का कोई अच्छा पढ़ा लिखा लड़का दिखाओ। अम्मी चलो फिर, मैं और कहीं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। मेरे ख्याल किरण आ गई।
अम्मी ये क्यों रोज मुंह उठा के आ जाती है? मैं आपको बता चुकी ना, मुझे शादी नहीं करनी, क्यों नहीं समझ आ रही आपको? किरण आस्ता बोलो, सुन लेगी वो। तुम्हें लेने के लिए इसलिए नहीं आई कॉलेज की बिल्किस ने आने को कहा था, और क्यों नहीं करनी? अभी नहीं करनी तो कब करनी है? मैं कौन सा कल रुखसती कर रही हूँ तुम्हारी? मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरी पढ़ाई कम्प्लीट होने में पूरा एक साल बाकी है, मुझे प्लीज पढ़ने दे सुकून से। किरण साल गुजरते पता भी नहीं चलता, और बिल्किस रिश्ता बता रही है तो जरूर अच्छा ही बता रही होगी ना, आजकल काल है रिश्तों के, ढूंढने में टाइम तो लगेगा ना। जो मेरी किस्मत में होगा ना, मेरी उससे शादी हो जाएगी, आप टेंशन लेना बंद करें। मेरी बात सुनो, हाजरा का हर्षर देखा है ना, 30 साल की होने को आई है, कुंवारी बैठी है घर में, पता है क्यों? इसलिए कि जो शादी की उम्र थी ना वो तो नखरों में गुजार दी, और जो शादी की उम्र होती है ना ये मुट्ठी से रेत की तरह स्लिप हो जाती है। मम्मी एक बात आप याद रखिएगा, शादी में अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं करूंगी, हाँ लेकिन मुझे आपकी नाराजगी से डर लगता है। लेकिन एक और बात आप याद रखिएगा, मुझे अपनी नाराजगी से भी बहुत डर लगता है। मेरी गुड़िया रानी, ये बात तो मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी नाराजगी से डर लगता है, इसीलिए मैं भी वादा करूँ कि तुम्हारी मर्जी और तुम्हारी खुशी के बगैर कुछ नहीं होगा, ठीक है? अच्छा मेरी बात सुनो, वो ज्यादा देर बैठेगी नहीं, मुझे जाने दो, तुम्हारी मर्जी और पसंद के बगैर कुछ भी नहीं होगा, अब जाओ और जाकर खाना खाओ। रोज आ जाती है, कोई और काम ही नहीं करने के लिए। अभी भी 102 बुखार है, से पता नहीं क्या हो गया, एक घंटा हो गया दवा दिए हुए, बुखार क्यों नहीं उतर रहा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी बच्ची को हुआ क्या है? उमर भी कल से बहुत डरा हुआ है, पता नहीं क्या किया इन बच्चों ने। आमिर कहीं ये घर तो आसिफजदा नहीं है? क्या फजूल बातें करती रहती हो तुम, आजकल के जमाने में कहां होते हैं आसिफ वगैरह घरों में, और रात भर मैं भी यहीं था, तुम भी यहीं थी, कुछ होना होता तो हो गया होता, तुम्हें कुछ पता चला नहीं ना? लेकिन फिर भी बच्चे ऐसी चीजों को देख लेते हैं, पर क्या पता मीना ने कुछ देख लिया हो। फजूल बातें मत करो, अगर ऐसी कोई बात होती ना तो स्टेट एजेंट हमें बता देता। स्टेट एजेंट्स को तो अपना कमीशन बनाना होता है, वो क्यों बताएंगे ऐसी बातें? बहरहाल मेरी बच्ची को बुखार खौफ से चढ़ा है, बस तुम फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ये कौन आ गया? तुम डॉक्टर को फोन करो, मैं देख लेती हूँ। ठीक है जाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आमिर बात कर रहा हूँ। जी मेरा नाम जहांआरा है, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ, ये समझें कि हमारी दीवारें मिली हुई। अच्छा आप अंदर आए। आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, और आपके घर से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। जी एक्चुअली वो दरअसल कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता है। दरअसल हम दो बहनें हैं, मैं छोटी बहन जहां आरा और मेरी बड़ी बहन आलम आरा, हम दोनों दम दरूद करके रूहानी इलाज करते हैं। रूहानी इलाज? ये तावीज पानी में घोल के आप अपनी बेटी को अच्छी तरह से पिला दीजिए। मैंने कहा ना, मुझे सब कुछ पता है, और आपका खदशा बिल्कुल दुरुस्त है, इस घर पे साया। साया? हैरत है, आपको किसी ने बताया नहीं, जबकि इस मोहल्ले के बच्चे बच्चे को पता है। सुने लेकिन हम तो इस घर में स्टेट एजेंट के थ्रू शिफ्ट हुए हैं, उसने तो हमें कुछ नहीं बताया, बल्कि हम तो कल रात को ही यहाँ शिफ्ट। जो होना था वो हो गया, अगर अपनी और इस घर की खैर आफियत चाहती तो हमारे पास
शाम 4 बजे तक आ जाए। हमारे पास ऐसे ताकतवर तावीज हैं कि कोई जिन या भूत पास भटकने की हिम्मत भी नहीं करेगा। क्या मसला है बीबी जी? मेरा शौहर मेरी तरफ देखता भी नहीं है। मेरी शादी को 8 साल हो गए। 2 साल तो मेरे साथ बहुत अच्छे रहे, लेकिन रफ्ता रफ्ता ऐसा लगता है जैसे मुझसे उकताने लगे हों। उसकी जिंदगी में कोई और औरत है? हाँ, वो मेरी पड़ोसी है जुबेदा। मैं तो उसे अपने घर में घुसने भी नहीं देती, पर अपने शौहर को रोक भी नहीं सकती। मुझे लगता है वो किसी ना किसी बहाने। बस बस, इतनी तफसील काफी है। काम तुम्हारा आसान है, लेकिन तावीज जरा महंगा। आप पैसों की फिक्र ना करें, मैं अपना सारा जेवर बेच दूंगी। बस खुदा के लिए इस औरत से मेरे मियाँ को छुड़वा दें। ये तावीज खोल के पानी में पिला देना अपने खामद को, लेकिन उसको पता नहीं चलना चाहिए। आप फिक्र ना करें, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। आप घर जाओ, रात को शोहर को तावीज पिलाओगी तो सुबह को बिल्कुल बदलावा मिलेगा। वो औरत खुद ही तुम्हारे शोहर से दूर हो जाएगी। तावीज? तावीज मैं शोहर को पिलाऊंगी, दूर वो औरत चली जाएगी? ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं। जो कहा है वैसे करो। हजरत बीबी, कितने पैसे? हदिया तो मैं काम होने के बाद लेती हूँ, पहले नहीं। अच्छा, बड़ी 4:30 हुई। वो पड़ोसन अभी तक नहीं आई। उसका शौहर बहुत जिद्दी है, हो सकता है उसने आने से रोका हो। कोई बात नहीं, मैं पहले से जानती थी वो नहीं आएगी। तो फिर? तो फिर क्या, लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो? Thank you.
छह का मतलब पौने सात नहीं होता, समझ आई? मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि भाई अम्मी जान पे डिपेंड करता है, और वैसे भी बिल्किस खाल आई है। ओह, इसका मतलब है कि किरण साहब के लिए कोई नया रिश्ता आया, अच्छा सा, कोई महंगा सा। जी फवाद साहब, मेरे लिए फिर एक और रिश्ता। अब तो खुदा के वास्ते कुछ कर लो, मुझे तो लग रहा है अभी सिर्फ रिश्ते आ रहे और बहुत जल्द बारात आ जाएगी। यार हाउस जॉब कर रहा हूँ अभी, प्रॉपर जॉब तो करने दो। अम्मा के सामने तो पोजीशन नहीं है मेरी बोलने की, और अब्बा वो तो पूरे के पूरी अम्मा की हिमायती है। ठीक है, आ जाओ ना मेरी बारात की कोशिश। सुनो तो सही, सुनो तो सही। तो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाती है। तो आइडिया है मेरे पास, मैं स्पेशलाइजेशन के साथ ना जॉबी करूंगा, पर जैसे कोई अच्छा मौका मिलेगा अम्मा को मना लूंगा। मेरी पढ़ाई कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ एक साल रह गया। एक साल तक तो मैं अम्मा को टाल सकती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं कर सकती। एक आइडिया है मेरे पास, आइडिया है यार। वो मेरी खातिर तुम एक साल फेल नहीं हो सकती? कैसी बातें कर रहे हो तुम? एक साल की तो बात है। हाँ तो पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे लिए एक साल फेल हो जाऊँ? अगर मैं हो भी जाती हूँ फेल तो अम्मा ने मुझे कौन सा बख्शना है? और वैसे भी फवाद, जितनी मेहनत करके उन्होंने मुझे पढ़ाया है ना, मैं उनके साथ ऐसे नहीं कर सकती। और वो तुम आज निदा के सामने इतना भाव क्यों खा रही थी? हाँ, आपको पता है निदा कौन है? निदा अम्मी जान की बहुत पक्की हिमायती है, एक एक बात जाके उनको डिट्टो बताती है। मैं तो उसे तुम्हारे अपने बारे में भी नहीं बताया। एक वादा करना होगा तुम्हें मुझसे, करोगी? तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करोगी, समझ आई? मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। लेकिन अगर तुम्हारी अम्मा जान ना माने तो मैं अम्मी जान की बात मान के किसी और लड़की से शादी कर लूंगा। क्या कर भी कह सकता हूँ? तो ठीक है, कर लेना किसी और से शादी। अब मुझे फोन करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी बात तो सुनो यार किरण। ओफो, बड़ी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपको पता है उस घर में तो मुसलसल तमाशे ही चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, उस घर में सुकून कैसे रहेगा? लेकिन बहुत ढीठ लोग हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। चले जाएंगे आज रात तक लाजमन। बड़ी, आपकी तबीयत को क्या हुआ है? पता नहीं, कुल तबीयत हल्कान हुई भी है। रात से नया वजीफा शुरू किया, शायद उसकी वजह से। आपके लिए यखनी बना दूं? दिल नवाज का है। जो मैंने काम दिए थे उसने निपटा दिए? जी कर दिए। वैसे एक बात है, जो भी काम दो मिनटों में कर लेती है। मैं वजीफा शुरू करने लगी हूँ। किरण ऐसा भी क्या कर दिया मैंने यार, प्लीज फोन उठाओ।
चड्डे का रंग तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ वो खत्म हो गया था, लेकिन कल जब बिल्किस को छोड़ने गई थी ना तो लेके आई थी, बाहर सहन में रखा होगा, उठा के ले आओ। मेरी जान, यहाँ कैसे आए? तुमसे मिलने। पागल तो नहीं हो? क्यों, तो अम्मी घर पर है। अम्मी घर पे? अच्छा मैं सलाम कर लिया। फरमान अम्मी किसी भी वक्त बाहर आ जाएंगी। दुआ नहीं दो, क्या फर्क पड़ता है? एक नहीं तो तुम्हें पता चलनी तो आज पता चल जाए। तुम दो मिनट में यहाँ से बाहर चले जाओ। अच्छा तुम इधर बैठो। प्लीज मेरी बात मान लो, अम्मी देखो किसी भी वक्त आ जाएंगी। एक्सक्यूज मी, कल इतने मैसेज किए मैंने, इतनी कॉल्स की, तुमने मेरी बात मानी? जो नहीं मानता। किरण आ रही हूँ अम्मी। किरण मिला जर्दे का रहा। हाँ अम्मी मिल गया, मैं लेकर आ रही हूँ। हाँ चले जाओ तुम यहाँ से, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा ठीक है, मैं मानूंगी तुम्हारी बात, जो भी तुम कहोगे मैं मानूंगी। व्हाट एन ऑफर, कसम से? हाँ कसम से। प्रॉमिस? प्रॉमिस। तो फिर आज रात तुमसे डिनर पे चलोगी? पता करो आज रात। आज रात? आज रात नहीं, पॉसिबल ही नहीं। अम्मी घर पे कैसे जाऊंगी, तुम पागल हो? ठीक है फिर आज रात की चाय मैं यहीं पीऊंगा। किरण बेटा बाहर क्या कर रहे हो? तुम छत पे दुपट्टे लेके, मैं लेकर आ रहा हूं। व्हाट तुम? अच्छा ठीक है, गेट इट, चलूंगी मैं तुम्हारे साथ। चलो अब तुम उठो। किरण भाई पता नहीं कहाँ रह गई ये लड़की, मुझे खुद ही जाके देखना पड़ेगा। किरण ये रहे। कहाँ रह गई थी? और वो दुपट्टे का कहती कहाँ है? वो दुपट्टा? हाँ वो दुपट्टा। अम्मी अम्मी दुपट्टा मैंने छत पे सुखाया था, पता नहीं मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे उतारा कि नहीं उतारा, मैं बिल्कुल ही भूल गई। कहने को वादा तो कर लिया है मैंने फवाद से, लेकिन जाऊंगी कैसे? अम्मी जान कभी घर से बाहर नहीं जाने देंगे, क्या करूं? नहीं गई ना तो सख्त नाराज हो जाएगा। मैं नाराज होती हूँ तो मना लेता है, अगर वो नाराज हो गया तो कभी नहीं मानेगा। किरण बेटा नजमा का फोन आया, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? पता नहीं बाहर खेलने के लिए गया था, कोई गाड़ी मार के चली गई है। चलो हम उसे देखा है चलते। अम्मी मैं कैसे जा सकती हूँ? आपको तो पता है ना मेरे कितने सारे असाइनमेंट्स रहते हैं, मेरा पूरा संडे वेस्ट हो गया। अम्मी मैं तो नहीं जा सकती। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद ही बेटा बाहर से ताला लगा के फिर चली जाती हूँ। मैं लॉक कर दूंगी ना, आप परेशान क्यों हो रही हैं? अरे बेटा कैसे लॉक करोगी, वो अंदर से लॉक नहीं होगा, बाहर से ही होगा, कल खराब हो गया था। अच्छा हाँ सुनो, मैंने ना चाइनीज बनाती है बेटा, गरम गरम खा लेना। ठीक है चलो खुदा हाफिज। में चल खा लेना खाना। परेशान नजर आ रही और आपके घर से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी, और आपका खदशा बिल्कुल दुरुस्त है। इस घर पे साया है,
अरे फवाद बेटा, मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं वो अम्मा, मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वो डॉक्टर अमजद को कहीं जाना है 2 घंटे के लिए, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। सुबह तो तुम्हारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। इमरजेंसी तो अचानक ही होती है ना। अच्छा चाय तो पी लो ना। नहीं नहीं मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो गई हूं, मैं रास्ते से कुछ खा लूंगा। ओके अब अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। खाली तुम मानो या ना मानो, ये लड़का जरूर किसी के चक्कर में है। खैर अस्पताल का तो मेरे पास नंबर है, बात कर लूंगी मैं। यार बाहर से कौन ताला लगाता है यार? यार वो अंदर का दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है ना, तो इसलिए बाहर से लॉक करके जाते हैं। अच्छा सोचने दो मुझे। हाँ तुम एक काम करो, तुम 5 मिनट में तैयार होकर छत पे आओ, ठीक है? क्या छत? जाहिर है तुम्हारे घर का लॉक खराब है, मेरे घर का तो नहीं है ना। नहीं नहीं फवाद, मैं तुम्हारी सीढ़ियों से नहीं उतर के जाऊंगी, अगर किसी ने देख लिया तो। जाने मन प्यार में एडवेंचर ना किया तो क्या प्यार किया, पर तो मेरे इतना नहीं कर सकती। हाँ लेकिन फवाद, कह रहा हूं ना कुछ नहीं होता, प्लीज ट्रस्ट मी, पर आज तो मेरे लिए स्टैंड लोगी, कल मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा। वेट प्लीज आ रही हूं, प्लीज, ठीक है? ओके। हेलो हेलो, सर्जिकल फॉर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर फवाद बात कर रहा हूँ, कौन बात कर रहे हैं जी? डॉक्टर फवाद। सिस्टर कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज आपकी ड्यूटी ऑपरेशन थिएटर में है या रिसेप्शन में है? जी मैं अकेली हूँ, रुबीना छुट्टी पर है। वेरी गुड, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक छोटी सी फेवर चाहिए आपसे, वो ये कि अगर मेरे घर से अम्मी फोन करती हैं तो आप प्लीज उन्हें ये कहिएगा कि मैं ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है? लेकिन सर देखिए मैं आपको आकर मिलकर सब बताऊंगा ये सब क्यों करना पड़ा, लेकिन अभी प्लीज ये छोटा सा काम कर दीजिएगा प्लीज। ओके सर, आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सीधी बात यह है कि मैं हमीदा की बेटी मारिया से फवाद का रिश्ता करवाना चाहती हूँ। अरे तो भाई ये सीधी बात तुम अपने बेटे से कहो ना, मुझसे क्यों कह रही हो? शादी मैंने थोड़ा ही करनी है, उसने करनी है, मैं तो कर चुका हूँ। भाई वो मान नहीं रहा ना, आप मेरी मदद करें। देखो मेरा बेटा माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है, उसे तो कोई हूर परी मिल जाएगी। सो तो मारिया चुड़ैल है इसलिए ना कि वो मेरी बहन की बेटी है। मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा, इसलिए बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए खालिद, आप अपना घर दिखाने के लिए क्लाइंट को कितना कन्विंस करते हैं, अपने बेटे को तुम शादी के लिए नहीं मना सकते। मैं अपने बेटे को जबरदस्ती पटाऊं किसी से शादी करने के लिए? तुम खुद सोचो ये कोई जायज बात है? तुम्हारा बेटा ही है या हॉस्पिटल से उठा के लाई हो इसे? कमाल है। तुम एक बात कान खोल के सुन लो रशीदा, ना मैं अपने बेटे के साथ जबरदस्ती करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। उसकी शादी वहीं होगी जहां उसका दिल चाहेगा, बस। अच्छा मुझे पता है मेरे बेटे के लिए क्या सही है क्या गलत, तुम भले ना मानो मैं खुद ही मना लूंगी। ओ, इसका मतलब यह है कि तुम उससे बात कर चुकी हो? नहीं, तुम कह रही हो ना कि तुम जानती हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा। कहा की है मैंने उससे बात, अभी तो वो बच्चा है, मारिया से एक दो दफा मिलेगा तो खुद ही मान जाएगा शायद। और वैसे भी मैं भी अपने बच्चे का भला ही चाहती हूँ। लेट जो
दस मिनट पहले तो गया था, फिर आ गया। मैं देखती हूँ। तावीज़ पिलाने से एक ही बार में उठकर बैठ गई है और तुम मुझे उस बीबियों के पास जाने से रोक रहे हो। क्या फजूल बातें करती रहती हो तुम? मैंने उसे दवा पिलाई है, एंटीबायोटिक दिया, उसने तो ठीक होना ही था। और हमारी बच्ची पहली मर्तबा बीमार तो नहीं हुई। और इस घर में जो अजीब अजीब से वाकयात हो रहे वो, और सुबह मैंने तुम्हें पेंटिंग वाली इतनी बड़ी बात बताई है, तुम पे जरा असर नहीं हुआ। वहम है तुम्हारा, सिर्फ वहम। उस औरत की बात तुम्हारे सर पर सवार हो गई है। कोई वहम वहम नहीं है ये, मैंने पूरे मोहल्ले से पता किया, ये घर आसेबजदा है आमिर, हम इस घर से जा रहे हैं। क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम? एक साल का एडवांस दे रखा है मैंने, सब कुछ छोड़ दूं? छोड़ दो सब कुछ, क्योंकि एजेंट ने तुमसे झूठ बोला था, ये घर आसेब ज्यादा है, उसने ये बात हमें बताई नहीं थी। हमारे बच्चों से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं आमिर। क्या बोलूं उससे, फजूल की बात करूं उससे? जो कुछ देखा सुना सिर्फ तुमने, मैंने नहीं। तो क्या फजूल की बात उससे करूंगा, तुम्हारी तरह मुझे भी पागल समझेगा? क्या मतलब, तुम मुझे पागल समझ रहे हो? ये सारी बातें मैं अपने पास से बना रही हूँ। अगर इस घर में कुछ है तो मुझे क्यों नहीं नजर आता? चुकी आवाज है। ओह माय गॉड, मीना, आमिर, मैंने कहा था ऐसे चलो, मैं अपने बच्चों की जिंदगी कचरे में नहीं डाल सकती, प्लीज यहाँ से चलो, मैंने तुम्हें कहा था ये घर छोड़ दो आमिर। एक मिनट चुप रहो। ठीक तो बेटा, बस मैं आ गया, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से, चलो।